चले जयपुर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 18 के बाद आएगी कांग्रेस की पहली सूची। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है 18 अक्टूबर को होगी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। बैठक के बाद पहली सूची जारी की जाएगी। सूची पर केंद्रीय नेतृत्व ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि 18 अक्टूबर के बाद सूची आएगी और ऐसे में अब 18 अक्टूबर के बाद कांग्रेस की पहली उम्मीदवारों की सूची आएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 18 अक्टूबर को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है और इस बैठक के बाद जो है सूची जारी कर दी जाएगी। चलिए और चलिए ये आपको सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये काफिला है। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला। आपको बता दें कि आज 12 में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ईआरसीपी पर चुनावी शंखनाद करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और भाजपा ने चुप्पी साध रखी है। राजस्थान की लगभग 83 सीटें हैं, वहाँ की जनता देखिए, भाजपा में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। वैसे वो उनका अपना मामला है जो रिवोल्ट हो रहा है, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बार जो काम हुए हैं राजस्थान के अंदर, मेरे ख्याल से इतिहास में कभी भी इतनी स्कीम नहीं बनी है और ना इतनी योजनाएं घर घर तक पहुँची है। मतलब 1,82,00,000 परिवार आगे कार्ड ले जाए गारंटियों के, और करीब 8,00,000 गारंटी कार्ड, 1,82,00,000, 1,80,00,000 के आसपास कार्ड बंटे हों, आप सोच सकते हो कि इसके अलावा जो कानून हमने पास किए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जिसकी चर्चा देश में नहीं दुनिया में हो रही है, राइट टू हेल्थ है, गिग वर्कर्स का एक्ट है, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट है, शहरी रोजगार योजना है, तो एक से एक बड़े काम उन्होंने किए। और शिक्षा में, स्वास्थ्य में सड़कें 1,50,000 किलोमीटर किसे कहते बन रही है, 3,00,000 नौकरी हम दे रहे हैं। तो इस बार मैं समझता हूँ कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी, 1,00,00,000 लोगों को पेंशन, 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, पति पत्नी हैं तो 2,000 रुपये हो जाती है, 24,000 रुपये उनके घर पहुँचते हैं। दिव्यांगों को, एकल नारी को, विधवाओं को और बुजुर्गों को, तो लोगों ने तो मैं समझता हूँ इस बार तय कर रखा है कि कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करनी है। ये मेरा मानना है, जो मैं महसूस करता हूँ पब्लिक का फीडबैक से, आप लोग जो फीडबैक देते हैं मुझे, गांव का आदमी, टैक्सी ड्राइवर हो, पुलिस वाला हो, कांस्टेबल, होमगार्ड, चपरासी, अस्पताल फराश, इनसे मैं मिलता रहता हूँ। और हमने भी कमी नहीं रखी, हम इवन संविदा कर्मी जो थे 1,00,000, उनकी नौकरियों की रास्ता खोल दिया हम, ओपीएस दे दिया, पेंशन, ओल्ड स्कीम पेंशन दे दी हमने, जो कि चर्चा पूरे देश के अंदर है। और पब्लिक चाहती क्या, ये तो चाहती थी भाई हमें हमारी गुड गवर्नेंस हो, वो हमने दी है। और मुझे लगता है इस बार कुछ गलतियाँ हम भी कर सकते हैं, जब फैसले होते हैं टिकटों में हो, कैंपेन में हो, कॉमेंट में हो, गलती कोई भी पार्टी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई नेता कर सकता है। मेरा मानना इस बार जनता जो है और हमारा कार्यकर्ता, उसको मालूम है 5 साल कैसे निकाले मैंने, कोरोना में निकाल दिए, सरकार घिरा रहे थे उसको मैंने बचा लिया हाईकमांड के आशीर्वाद से, पब्लिक का सपोर्ट मेरे साथ रहा, कौन कोई घटना होती रही देखिए, और उसके बावजूद 5 साल सरकार चली है और लोग सबक सिखाएंगे उन तत्वों को जो बीजेपी के नेता हैं बड़े बड़े, जिन्होंने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, वो गुस्सा आज पब्लिक का गया नहीं है, वो भी आप देखना चुनाव के अंदर उनके मन के अंदर है, जिस सरकार को हमने चुना हो उसको गिराने का आपका क्या हक था। ये तमाम बातें देख के मैं समझता हूँ कि इस बार चुनाव कांग्रेस का आशीर्वाद मिलेगा जनता का और सरकार हमारी बनेगी, मुझे लगता है। ओपीएस को लेकर एक सवाल था, ओपीएस की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो खुद कह रही है कि मुझे बहुत कम पेंशन मिल रही है, मेरी 12,000 पता नहीं कौन है, मेरे पास भेज दीजिए, हम उनकी शिकायत दूर कर देंगे। सर, भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची आई, विरोध हो रहा है, किस तरीके से आप?
तो चलिए, आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुछ ही देर में 12 के लिए उड़ान भरेंगे, जहां पर 12 में आरसीपी को लेकर आज चुनावी शंखनाद होने जा रहा है और जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं।